नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोनीपत जिले में किसानों के लिए सर्दी और रात में जम रहा पाला आफत बन रहा है। किसानों की माने तो सर्दी और पाले के कारण सरसों की फसल को नुकसान पहुँच रहा है, वहीं सब्जियों की भी पैदावार कम हो रही है। सरसों की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि पिछले दिनों से पड़ रहे पाले के कारण सरसों की फसल खराब हो रही है, वहीं गेहूं को सर्दी से फायदा हुआ है। सोनीपत में एक तरफ जहां सर्दी सरसों की और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है, तो वहीं यही सर्दी गेहूं की पैदावार करने वाले किसानों के लिए संजीवनी बनी हुई है। दरअसल सोनीपत जिले के किसान गेहूं और धान की खेती को छोड़कर अब सरसों, फूलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, लेकिन पाले और सर्दी ने अब इन फसलों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। किसानों की माने तो पिछले दिनों पड़े पाले के कारण सरसों की फसल को नुकसान हुआ है, वहीं सब्जियों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि यही सर्दी उन किसानों के लिए संजीवनी बनकर आई है जिन्होंने गेहूं की फसल उगाई हुई है। गेहूं की पैदावार करने वाले किसानों ने बताया कि जितनी ज़्यादा ठंड और पाला जमेगा, गेहूं की फसल में उतना ही ज़्यादा फुटाव होगा और पैदावार अच्छी होगी। किसानों ने बताया कि ठंड के कारण इस बार गेहूं की फसल को काफ़ी फायदा पहुंचा है। प्रदेश में पाला पड़ने से सरसों और सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। सोनीपत से हमारे संवाददाता विकास पहलियान की रिपोर्ट। हमारे सरसों का नुकसान है सबसे ज्यादा, अब की बार सरसों बोई थी, सरकार ने दावा किया था कि हम एमएसपी से भी ऊपर लेंगे, इसलिए सरसों बोई थी। अब की बार ये पाला की वजह से थोड़ा सरसों में भी नुकसान है और हमारे फल फूल की जो खेती इसमें नुकसान है। एक हमारी सब्जियों की जो आलू टमाटर वैसी जो मिर्च वैसी जो हल्की जो खेती है उसमें ज्यादा नुकसान है हमारे। गेहूं में फायदा हमारे, तो इसी तरह बढ़ता रहा ठंड तो कितना और नुकसान हो जाएगा? देखिए नुकसान तो कई चीज तो ऐसी है ज्यादा बर्बाद हो जाएंगी, उससे किसान को सरकार से मुआवजे की मांग करनी पड़ेगी। ऐसी भी कई फसल है जैसे गेहूं है, गन्ना है, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, जो हल्की फसल है वो हमारी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। देखिए किसान वैसा ही, या सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मी में किसान की फसल बहुत ज्यादा मरती है, सर्दी में बहुत ज्यादा मरते हैं, किसान तो हमेशा मरने वाला है। वो काम कहते हैं जैसे चक्कू है, चक्कू पर कचरा घेर लो या कचरे पर चक्कू घेर लो, किसान दो काम हो रहा है किसान के साथ। सब्जियों में कितना नुकसान है सोनीपत? किसान तो सोनीपत में बहुत ज्यादा नुकसान है सब्जी में। अब टेम्परेचर 2 के करीब जा रहा है, आलू वजह खत्म हो जाएगा, मिर्च है, मिर्च के खेत सारे खत्म हो जाएंगे। अब ये अपनी सरसों है, सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान है। 20 क्विंटल सरसों धान निकलनी थी, वहाँ 20 मण के बजाय 10 मण निकलेगी। आलू जिसके लिए 400 मण निकलना था, 200 मण निकलेगा। क्या नाम आपका? पूर्ण प्रधान भारतीय किसान यूनियन, गुरनाम सिंह चडूनी। सब्जियों की फसल को नुकसान है इसमें, जैसे टमाटर है और जो बेल की सब्जियां हैं उन पे फर्क पड़ रहा है। और तो कितना नुकसान हो गया यहाँ पे किसानों को? नहीं, नुकसान तो अभी तो स्टार्टिंग है, नुकसान का तो क्या पता कितना होगा कितना नहीं होगा। तो इसी तरह ठंड बढ़ती रही तो ज्यादा नहीं, उस तरफ फायदा भी तो होगा ना, गेहूँ को फायदा होगा तो नुकसान सब्जी में जाएगा। नुकसान आने वाले टाइम पर सब्जियां जो है ना महंगी होती चली जाएंगी, पाला इसी तरह पड़ता रहा। तो अभी तो जी सब्जी में, मटर में और आलू में भी नुकसान हो रहा है, और जी सबसे ज़्यादा तो सरसों में और मटर में ही हो रहा है। वजह क्या है नुकसान की? वजह जी जैसे पाला पड़ रहा है ना, ये ठंड की वजह से इसलिए ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपने क्या लगा रखे हैं? हमने जी गोभी लगा रखी है और जी टमाटर लगा रखे 1/2 किलो। क्या नाम आपका? ओमपाल जी, ओमपाल सनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।